Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया था अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रेट. हमने रेट के बेसिस पर रिएक्शन को क्या किया था, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया था, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट. और मॉडरेट के अंदर हमने क्या किया था, रेट को डिराइव करना सीखा था. मतलब अगर आपसे किसी रिएक्शन का रेट पूछ लिया जाता है तो हम वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर हम उसके रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का भी रेट बता सकते हैं. और आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ तो रेट की डेफिनेशन ये होती है भी चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम. अब चेंज इन कंसनट्रेशन एक्वस केस में लिया जाता है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में पर यूनिट टाइम. और अगर आपको गैसियस स्टेट दे दी जाती है तो आप किसको लेते हो, स्टूडेंट्स, प्रेशर को लेते हो, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, है ना. तो बाकी सब चीज़ें तो मैं करवा चुकी थी और एक आपको होमवर्क भी मैंने दिया था, एक रिएक्शन. तो सबसे पहले मैं लेक्चर को शुरू करने से पहले क्या करने वाली हूँ, जो हमारा प्रीवियस कंटेंट था यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर का कुछ पार्ट जो है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या हमारा वो टॉपिक पक्का हो जाएगा. और फिर हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट. अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शन को टाइप्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब जो चेंज कंसंट्रेशन में होता है उसके हिसाब से रिएक्शन कितने टाइप में वो देखी थी. अब हम ये देखेंगे भी वो जो चेंज होता है कंसंट्रेशन में वो रेट पर्टिकुलरली कितने टाइप्स का है, और वो हम तीन टाइप्स को स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले. सो सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. शौर्य ग्रोवर मेरे चैनल का नाम है और जस्ट उसके नीचे आप मतलब उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है. एक और चीज़ स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको डेली डेली प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो हमारा कम्युनिटी टैब पर आपको पता ही है भी डेली एक क्वेश्चन अपलोड होता है और उसका सॉल्यूशन संडे को मतलब क्या होगा, अपलोड हो जाएगा वीडियो के तौर पर. तो ये वीकली क्वेश्चन सीरीज़ है. जैसे मैं आपको पता है कम्युनिटी पे ऑलरेडी सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो मैं आप क्या सोच रही हूँ भी केमिकल काइनेटिक्स का डेली एक क्वेश्चन डलेगा. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया, अब सेकंड आज हो जाएगा, तो आपको क्या है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिटी पे देखने को मिलेगा वो केमिकल काइनेटिक्स से होगा. तो आप प्रैक्टिस करते जाइए वहाँ से, क्योंकि मैं डिफरेंट बुक से डाल रही हूँ, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा, ठीक है. अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है. सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको एज अ होमवर्क कल दिया था मैं उसको नोट करवा देती हूँ. हमारा था 2A + 5B gives 6C. यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट जो है वो है 2A और 5B और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है 6C. आपसे पूछा गया था इस केस के अंदर भी आपने मुझे बताना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A ऑफ B ऑफ C और रेट ऑफ टोटल रिएक्शन, जो पूरे रिएक्शन का रेट है ये. तो चार चीज़ें आपसे पूछी गई थी, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा. तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाने लगी हूँ. आप देख सकते हो मेरे पास ये रिएक्शन है. अब सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल टाइम पर हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं. तो इनिशियली टाइम जब टी क्या था, जीरो था, उस टाइम पर मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बना होगा. अभी जब कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, अभी तो रिएक्ट ही नहीं हुआ. रिएक्ट होने पे प्रोडक्ट बनता है, पहले भी बता चुके हैं. आप बर्गर बनाने लगे हो, बर्गर ये तो नहीं है सीधा खुद से खुद मतलब जादू से बाहर आ जाएगा, नहीं. जब तक आप ब्रेड के अंदर टिक्की और सैलेड नहीं डालोगे बर्गर नहीं बनेगा. मतलब अभी मैं किचन में गई ही हूँ, मैंने कोई रिएक्शन नहीं करवाई है, मतलब मैंने कुछ फॉर्म नहीं किया है. उस टाइम पर सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ मेरे पास वो बर्गर के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है. तो एट टाइम टी पर मेरे पास रिएक्टेंट क्या होगा, ए है तो इसको मैं बोल देती हूँ ए नॉट, बी ए कंसेंट्रेशन होगी, बी है तो इसको मैं बोल देती हूँ बी नॉट है. और जो प्रोडक्ट, जो बर्गर जैसे मैंने बोला, वो अभी तो बना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कंसेंट्रेशन जीरो हो जाएगी. ये तो कब था, जब टाइम टी जीरो था. अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखिए, अब मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, क्वेश्चन होपफुली आपने लिख लिया होगा. मैं बोलती हूँ भी एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब मैं लेट कर रही हूँ भी रिएक्शन जब मेरी कंप्लीट हुई तो टोटल टाइम मुझे टी लगा, ठीक है, स्मॉल टी. तो टी टाइम पर मेरी जो ए की कंसेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी. मान लो मैं कहती हूँ एक्स मोल्स जो हैं वो डीकम्पोज कर गए. अगर एक्स मोल्स निकल गए तो किस में से निकले, पहली वाली कंसेंट्रेशन में से, तो ए नॉट माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि टाइम टी पर क्या होता है, एक चीज़ देखिए, टाइम टी पर क्या होता है, ये मतलब जो चीज़ रह गई, फाइनल रह गई, हम उसे लिखते हैं उस कंसेंट्रेशन को. तो मुझे बताइए इसमें से कितना रह गया. एक और चीज़ मैंने आपको बोला था, अगर आपको यहाँ पर 1 दिया है तो आप x लिखोगे, लेकिन अगर यहाँ पर आपको 2, 3, 4 जो भी वैल्यू दी है आप वो भी लिखोगे, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा. अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है फाइनल कंसेंट्रेशन जो रिएक्शन अक्कर होने के बाद आई है, यानी कि मतलब टोटल वाले कंसेंट्रेशन में से इतने मोल्स डिकम्पोज हो गए, 2x मोल्स निकल गए.
ठीक है, एक्स मोल्स निकल गए लेकिन उसका स्टिक्योमेट्री हम उसके आगे लगाते हैं। अब ऐसे ही बी के अंदर करेंगे, टोटल बी नॉट थी, इसमें से कितने मोल्स डिकम्पोज हुए, एक्स मोल्स डिकम्पोज हुए। अब क्या चेक करना है, स्टिक्योमेट्री, अगर वन लगी है तो कुछ नहीं लगाओगे, फाइव लगाए तो फाइव लगा दोगे, ठीक है, ये तरीका होता है इसको करने का। अब आता है भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको मैंने बोला भी एक्स मोल्स निकल गए भी, मतलब मान लो मैंने पांच सैलेड, मतलब मैंने पांच क्या कहते हैं सैलेड के पीसेस लिए, तो पांच निकल गए और वो पांच बर्गर में ही जाएंगे ना। पांच अगर मोल्स यहाँ से निकले हैं तो वो पांच मिलकर बर्गर में ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स मोल्स आएंगे। फिर हमने क्या लगाना है, इसका स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट यानी कि सिक्स। इतना क्लियर था। अब ये तो स्टूडेंट्स हमने कंसंट्रेशन लिख दी जब हमारी रिएक्शन अकर हो गई, मतलब एट टाइम टी पर। अब मैंने आपसे पूछा पेपर, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब ए का अगर मैं पूछूं रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, डेल ए, ब्रैकेट्स मत लगाना भूलना, मैं पहले बता देती हूँ, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन में लगाना भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा लास्ट में आपको बताया था, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाना है। अब ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन मैंने आपको बोला था रिएक्टेंट है तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा, इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। प्रोडक्ट है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आती है चेंज की वो नेगेटिव आती है, जब भी आप करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो अब देखो मैं इसको अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो कुछ भी नहीं मेरे को करना, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन, ए नॉट माइनस टू एक्स क्या है, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर लगाइए, ये क्या है ए नॉट माइनस टू एक्स, ये देखो डी बाहर ही रहेगा, डी बाहर ही रहेगा, ए की कंसंट्रेशन अंदर लिख रही हूँ मैं, ए की कंसंट्रेशन क्या है, देखो ए नॉट माइनस टू एक्स माइनस ए नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ माइनस ए नॉट आ जाएगा अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा, जो ये डी हम लिखते हैं, एक होता है डेल्टा ये वाला ट्राइंगल वाला और एक होता है ये वाला, जो ये होता है ये होता है फॉर अ बिग चेंज, इसको यूज करते हैं, और ये फॉर अ स्मॉल चेंज, होता दोनों यही है, चेंज को ही डिनोट करता है, बस वैल्यूज पे फर्क हो जाता है। अभी ये बड़ी वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, छोटी वैल्यूज के लिए करते हैं। अब आगे देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स ये कट जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा भी मैं नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, टू बार आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन में आपको पता होगा भी, अगर आपको कोई भी वेरिएबल के आगे डिजिट दे रखा है, जैसे एक्स के आगे कुछ दे रखा है, तो वो बाहर आ जाता है और अंदर जो है वो इसके साथ लग जाएगा, वो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये रूल होता है, हमें इतना ही जानना है मैथ्स का, ज़्यादा नहीं जानना है डिफ्रेंसिएशन का, जब आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगी। तो ये क्या है, ये इसके साथ लगाओ, वेरिएबल के साथ जब लगा होता है तो ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया। अब ये मेरी क्या आई स्टूडेंट्स, ये आई रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। इतना क्लियर है। ऐसे ही बी का निकालना है, तो देखो बी का क्या रेट होता है, फिर से मैं क्या करूंगी, पहले लिखूंगी डेल्टा बी अपॉन डी टी। अब देखो बी की कंसंट्रेशन फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या होगी, बी नॉट माइनस फाइव एक्स माइनस बी नॉट अपॉन डेल्टा टी, और इसको ब्रैकेट में करेंगे और माइनस डी बाहर लगेगा। तो जब आप देखोगे बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फाइव डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी आ गया। अब यही आपसे मैं सी का पूछ लूँ, तो सी का कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल है सिक्स और इनिशियल जीरो था, तो सिक्स एक्स ही हो जाएगा, तो सी का आ जाएगा सिक्स डी एक्स अपॉन डी टी। इतना क्लियर है। अब हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बी सी, तीन क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर लिए। अब मेन क्वेश्चन जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं वो आता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब टोटल रिएक्शन का रेट निकालिए। तो आप सबको याद होगा यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, देखो जो टोटल रिएक्शन का रेट होता है वो कैसे निकाला जाता है, जो मोल्स डिकम्पोज हुए हैं ना वो उसके रेट पे डिपेंड करता है। देखो कैसे, तो कितने मोल्स डिकम्पोज हुए हैं, एक्स मोल्स, तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा होता है टोटल रेट ऑफ रिएक्शन। समझ पा रहे हो। अब यहाँ देखो रेट ऑफ ए जो है हमारा, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल आई है, ये इसके इक्वल आई है, ये इसके इक्वल आई है। यहाँ से मैं डी एक्स बाई डी टी निकाल सकती हूँ, डी एक्स बाई डी टी होती है टोटल रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, टू इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब वन अपॉन वन बाई टू हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करती हूँ, यहाँ पर देखो डी एक्स अपॉन डी टी होता है टोटल रेट ऑफ रिएक्शन। मैं लिखूंगी टोटल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये मैं कह रही हूँ भी टू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू इन टू डी ए अपॉन डी टी। समझ रहे हो,
ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, और मल्टी मतलब 1/2 इंटू ही रहेगा ना, और नेगेटिव का नेगेटिव साइन वैसे का वैसे. ऐसे ही सिमिलरली बी को देखो, बी का हमारा ये रहा है ना, ये देखो ये 5 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नीचे लिखा हुआ है कहीं आपको, नहीं इक्वल है तो ये नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ. इधर देखो, इसको आंसर को आपने हमेशा से लिखना है, आर इज इक्वल्स टू टोटल रेट इज इक्वल्स टू, पहले ए का लिखोगे, फिर लिखोगे -1/5 इंटू डी स्क्वायर ब्रैकेट बी अपॉन डेल्टा टी. अब ऐसे ही आप किसका लिखोगे, सी का लिखोगे. सी का हमारा ये आया था, ये 6 अब वहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा. सिमिलरली ये हो जाएगा 1/6 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. तो ये हमारा आ जाएगा टोटल रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना भी कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ था. भी अगर आपका सही हुआ आप अपना नेम लिखिए बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. नेम लिखो, सिटी लिखो, अगर आपकी मर्जी है वो भी, बस इतना लिख देना भी मैम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एज योर होमवर्क वो हमारा करेक्ट है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक आधा क्वेश्चन और करवाती हूँ, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैं आपको वैल्यू देने वाली हूँ. अभी तक हम ए बी लेट करके चल रहे थे, अब हम कोई रिएक्शन लेंगे, जैसे वाटर ले लिया, बी एच टू ओ टू वाटर बना रहे हैं, ऐसा कुछ लेंगे. ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट करोगे, मैं तब तक इरेज करती हूँ. आपने जब भी मैं इरेज कर रही हूँ आपका एक काम होना चाहिए, आपने जो क्वेश्चन किया है या जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको रिवाइज करना है. ठीक है, ताकि साथ साथ वो याद होता जाए. ओके, सो जो क्वेश्चन मैं आपको देने लगी हूँ, ओके अभी मैं आपको रिएक्शन नहीं दे रही, लेकिन हाँ हम कंसंट्रेशन कुछ ले रहे हैं. अभी तक हम ए नॉट बी नॉट लेट कर रहे थे, अब मैं आपको कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यूज दे रही हूँ, तो आप वो लिख सकते हो. आपका जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है 2a प्लस 3b गिव्स 5c. जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख देते हैं. तो आपको ये रिएक्शन दी गई है डियर स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो ए है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 मोलर कंसंट्रेशन है, विच चेंजेस टू 5 मोलर, जो 5 मोलर हो जाती है इन 20 सेकेंड्स के अंदर. इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन बताई उसने, एक ही 10 मोलर, और वो 5 मोलर हो जाती है 20 सेकेंड्स में. अब आपने क्या क्या इसके अंदर कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट को आर सीधा लिख रही हूँ, ऑफ रिएक्शन ऑफ ए. सेकेंड चीज आपने निकालनी है रेट ऑफ, टोटल रेट निकालना है रिएक्शन का. थर्ड आपने निकालना है वैल्यू ऑफ -db/dt एंड +dc/dt. ओके, फटाफट से पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या चीज पूछी गई है आपसे, इसे नोट कीजिए फटाफट. देखो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की दे दी गई है. हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे. रिएक्शन क्या है हमारी, 2a प्लस 3b गिव्स 5c. टाइम जब टी हमारा जीरो था, इनिशियल पे हमेशा टाइम टी जीरो होता है, भी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ तो टाइम जीरो लेके चलेंगे. अब 2a की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपको, 10 मोलर कंसंट्रेशन दी है. बी का हमें कुछ भी आता पता नहीं, सी का तो हमें पता है इनिशियली जीरो ही होता है, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है, है ना. लेकिन एक बार बी का हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. आगे देखो, टाइम उसने कहा भी 20 सेकंड में वो 5 मोलर हो जाती है, तो मतलब टी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. अब याद रखिएगा, जब भी मैं आपको बोलती थी बी इसकी यूनिट निकालनी है, तो हम क्या कहते थे, कंसंट्रेशन की डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट, और टाइम का जो आपको दे रखा होगा वही यूनिट लेनी है. तो यहाँ टाइम सेकंड्स में, तो हम सेकंड्स लेके चलेंगे. अब यहाँ आप लिख भी सकते हो 20 सेकंड. ठीक है, जब टी जीरो था तो इसकी इतनी कंसंट्रेशन थी, जब टाइम 20 टप गया, 20 टाइम इंटरवल के अंदर, वो कितना हो गया, 5 मोलर हो गया. पहली चीज पूछते रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, -ΔA/ΔT. ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, है ना. अब -ΔA मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन के फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 10. अब बच्चे गलती करेंगे 10 माइनस 5 कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू कम है, नहीं
मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल जो बाद में आई उसमें से पहले वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पहले बार लगाए रखो, अंदर जो हमारा है डी आ जाएगा, डी आने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें हाँ डी लिखेंगे यहाँ पर, चेंज इन कंसिडरेशन है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, टाइम आपको मैं आपसे पूछती हूँ टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम एक बार डेल्टा टी लिखते हैं, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो डी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी किस लिए लगाया, क्योंकि हमें चेंज इन कंसंट्रेशन चाहिए। डी छोटा डी और बड़े डी का मतलब क्या होता है, बी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालो। प्रीवियस केसेस में मैं ए नॉट बी नॉट लिखती थी, इस वजह से मैं डी आगे लगाती थी, क्योंकि फर्दर कोई वैल्यू आएगी उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ वैल्यू दे रखी है तो ये हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी चेंज को ही डिनोट करेगा। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस 5 माइनस 10 और डेल्टा टी होता है भी कितने इंटरवल में, तो 20 सेकंड में हो जाएगा अपॉन 20। ये देखो अंदर है माइनस 5 माइनस 10 कितना होता है माइनस 5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/20 यानी कि 1/4। तो ये 1/4 क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, ये 1/4 आपके पास रेट आ गया किसका, ए का। अब रेट का यूनिट भी लगाना है, ये गलती वहाँ नहीं करके आनी, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन 1/4 देगा लेकिन वो यूनिट कुछ और लगा देगा, खेलेगा एग्जामिनर आपके साथ, ऐसा नहीं है। एक तरफ वो लिखेगा 1/4 मोलर पर आर, एक बार लिखेगा 1/4 मोलर पर सेकंड। याद रखो क्वेश्चन में जो दिया है वही टाइम इंटरवल आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 मोलर पर सेकंड। एक और चीज़ से वो कंफ्यूज कर सकता है, देखो मोलर को हम क्या कहते हैं, मोल्स पर लीटर है ना, तो ये इसको हम क्या और बोल सकते हैं, 1/4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट हमेशा याद रखिएगा, इसके साथ यूनिट नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके ऑब्वियसली दिखा दिया, देखो आगे सेकेंड पार्ट है टोटल रिएक्शन निकालना। सिंपल है, क्यों सिंपल है, क्योंकि जब हमने एक का निकाल लिया है तो बाकियों को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये जो हमारा आया है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे इसके माइनस dA अपॉन dt के इक्वल होता है, इतना तो क्लियर है। और आपको ये भी पता है भी हम क्या करते हैं, dx/dt जो होता है वो हमारा टोटल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। टोटल रेट को मैं क्या लिखती हूँ, टोटल रेट को मैं लिखती हूँ जो उसके आगे वाला कोफिशियंट है उसको 1/2 कर दो, मतलब अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा इनटू, ये माइनस का साइन लगेगा रिएक्टेंट के लिए, एक ही बात हो रही है ना, इनटू क्या होता है dA/dt। मानते हो टोटल रेट, एक बार दोबारा ये नोट कर लिया, फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, आंसर नोट कर लो। ठीक है, इसको मैं बाद में, ये देखो यहाँ से रेस करती हूँ मैं, ओके तो इस जीरो को भी मिटा देते, कोई ज़रूरत नहीं है इसके भी। मैंने आपको बोला टोटल रेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो टोटल रेट आपको मैंने एक अल्फा बीटा गामा वाला केस बताया था, याद है मैंने कहा था भी अगर इसके आगे अल्फा कोई वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा 1/α यानी कि 1/2। अब रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन भी आएगा तो नेगेटिव लगेगा, इनटू dA/dt इज इक्वल्स टू, अब सेकेंड वाले का क्या है 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब माइनस लगेगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, dB/dt अब प्लस में लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट है तो वो क्या दे रखा है 5 दे रखा है 1/5 dC/dt। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो dA/dt की निकाली थी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकाला था जो कि dA/dt होता है, कितना था 1/4। और आर को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिखते हैं ना आर को, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1/4, समझ पा रहे हो, इंटू 1/4। रेट का भी नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करना है, आंसर क्या आ जाएगा 1/8, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। एक चीज स्टूडेंट्स आपसे क्लियर कर दूं, ये जब भी हम लिखते थे तो ये क्या था, नेगेटिव साइन इसके आगे वाला होता था ना, माइनस dA/dt के आगे नेगेटिव लगता है, ये तो 1/2 के मैंने आगे शो कर दिया, अभी नंबर के आगे शो कर देते हैं, ये है क्या 1/2 इंटू माइनस dA/dt होता है बेसिकली। तो माइनस dA/dt की अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी 1/4 थी, ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, एक तो नेगेटिव की और इसकी मिलाकर 1/4, और ये हमारा मतलब 1/2 पहले था तो क्या आ जाएगा रेट 1/8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पता क्या होता है, ये तो हमारा आ गया सेकंड पार्ट, अब हमसे पूछा गया अभी इसका और इसका निकालिए। अब आप खुद सोच के देखिए एक बारी, भी मैंने आपको क्या बोला, अभी रेट किसके इक्वल आएगा, इनके इसको इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, रेट आ गया 1/8। अब आप इसको इसके इक्वल भी पुट करेंगे, इसके इक्वल भी पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ है, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है, 1/3 तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 1/8 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे ना क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस dB/dt, समझ पा रहे हो।
रेट हमारा बी का यही होता है ना, माइनस डी बी बाई डी टी, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा. किसका आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी का आ जाएगा. सिमिलरली अब आपके लिए ये करवा तो चुकी हूँ पर फिर भी मैं चाहती हूँ अभी करो, डी सी बाई डी टी का आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है भी क्या वैल्यू आएगी. आपको तरीका बता दिया है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है, डी सी बाई डी टी का आंसर बताइए. ठीक है, फटाफट कीजिए. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, आपने जब भी कोई क्वेश्चन मैं देती हूँ वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है. सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ए का रेट बताना था, कैसे बता सकते थे, हमें इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी थी, तो क्या करना होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. तो हमने डी ए बाई डी टी निकाल लिया था और उसकी हेल्प से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया और फिर रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से हमने ये दो पार्ट भी कैलकुलेट कर लिए. अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो करवाने लगी हूँ, उसके बाद हम हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं. तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप फटाफट से जो आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए. आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन नहीं है. अब एक जो क्वेश्चन है, अभी तक हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, एक्वस फेस को लेके चल रहे थे, अब हम गैशियस फेस को लेके चलेंगे, मतलब अब प्रेशर को कंसीडर करेंगे. अभी तक हम चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम करते थे, अब हम करेंगे चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम. तो क्वेश्चन लिखिए, फॉर गैशियस फेस के लिए 2A जो है ये गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये दे रहा है हमें 3B, ये किस फॉर्म में, ये भी गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है. आपसे पूछा, आपको दिया क्या हुआ अभी, प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम, ए का प्रेशर चेंज होता है 2 atm से लेकर 1.5 atm पे, ठीक है, इन 10 seconds, 10 सेकेंड के अंदर. कैलकुलेट करना है, पहली चीज है रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड और सेकेंड चीज है डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकेंड और सेकेंड पार्ट है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम इंटरवल. और आपको टेम्परेचर दे रखा है 27 degrees Celsius. ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बारी, आपको एक रिएक्शन दी है 2A जो है वो 3B दे रहा है, ये गैशियस फॉर्म में दोनों प्रेजेंट है. तो गैशियस फॉर्म में सेम चीज है बट फॉर्मूला सेम है, सारा कुछ चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम हो जाएगा. अभी तक हम रेट क्या बोलते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, अब हम क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, है ना, बस इतना सा फर्क है. अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमें उसने क्या दे रखा है, हमें उसने कंसंट्रेशन दे रखी है प्रेशर की, मतलब उसने हमें वैल्यू दे रखी है प्रेशर की, कंसंट्रेशन नहीं वैल्यू दे रखी है. तो मैं यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ. ओके, रिएक्शन है 2A gives 3B. इनिशियली टाइम टी जब जीरो था, कितना A का कितना उसने बोला 2 atm प्रेजेंट था प्रेशर. टाइम टी जब कितना हुआ 10 सेकंड में, वो कह रहा है कितना हो गया 1.5 हो गया. तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, अगर मुझे A का रेट निकालना है जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन इन atm पर सेकंड और मोल लीटर पर सेकंड निकालना है. हाँ जी क्वेश्चन, हाँ यही है. ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ ए निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे. तो रेट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या पता होता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, रेट होता है रिएक्शन ए का. अब ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि नेगेटिव साइन बाहर ही रखो, 1.5 - 2 अपॉन टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड. तो ये क्या आएगा 0.5/10, ये क्या आ जाएगा 0.5/10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, या फिर मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ 0.05, एक ही बात है, जो आपको कंफर्टेबल आप इसे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए आ गया. आपको पता है जो ये चीज़ है ये इसके इक्वल है, मानते हो
ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा जो इसके आगे वाला कोफिशियंट होता है उसको 1/2 में लिखोगे, और यहाँ क्या लोगे, dA/dt, और ये नेगेटिव वाला dA/dt, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जैसे अल्फा वाला आपको बोला था, अल्फा है तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ वो 1/2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली 0.05, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, 1/2 × 0.05, या सीधा लिख देती हूँ 5/100, ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/200 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2.5/100 यानी कि 0.025, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। मैं आपसे पूछूँ ये किस में आया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, प्रेशर की बात कर रहे थे, एटीएम की बात कर रहे थे, और यहाँ सेकंड्स चल रहा था, तो हमारा जो पहला आ गया पार्ट वो है एटीएम पर सेकंड में आंसर आ चुका है 0.025 एटीएम पर सेकंड। अब वो आपसे पूछ रहा है मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालो। मुझे एक बात बताओ, एटीएम कब यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, और मोल पर लीटर कब यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन के लिए? आपको मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इंटू कंसंट्रेशन, क्या फॉर्मूला होता था, PV = nRT, कहाँ था। और आपको ये भी पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के नीचे लेगी थी तो क्या हो गया था, P = n/VRT, ये क्या होता है कंसंट्रेशन होता है, मतलब P = CRT। ठीक है, प्रेशर निकाल चुके हो, R का आपको पता है क्या पुट करना है, टेम्परेचर आपको 27°C दिया है, वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, तो 273 ऐड होगा, यानी कि 300 टेम्परेचर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैं रेट की वैल्यू भी शॉर्टकट में बता चुकी हूँ आपने क्या लेनी है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेट की वैल्यू भी ले सकते हो। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया और मैंने आपको बोला भी, उसके अंदर आप रेट की वैल्यू जो है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 1/12 भी ले सकते हो, तो उससे आप क्या करोगे, वो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन मतलब ईजिली निकल आएगी, क्योंकि प्रेशर तो हमने निकाल लिया था। आप स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट है प्रेशर ऑफ बी निकालना है एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो जब आप टोटल रेट निकाल चुके हो तो बी का प्रेशर निकाल सकते हो। सो दैट इज़ योर होमवर्क, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भी है, मैं कहूँ भी हमें पता होना चाहिए कितनी तरह के रेट है। बेसिकली रेट की डेफिनेशन वही है, कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन उसको हमने फर्दर कैटेगराइज कर दिया। अभी हम उसको और कैसे क्या कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कहूँ भी मॉडिफिकेशन करके और कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहली टाइप ऑफ रेट आता है हमारा एवरेज रेट। आप हेडिंग ला सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, और सबसे पहला है एवरेज रेट। एवरेज रेट होता है, सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है इनिशियल रेट। समझ पा रहे हो, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज रेट की। एवरेज रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज रेट वो रेट होता है जब कंसंट्रेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर प्रेजेंट होती है। आप डेफिनेशन लिखेंगे, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। व्हेन कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स देन एवरेज रेट इज कैलक्यूलेटेड। समझ पा रहे हो, मतलब अगर आपको T1 टेम्परेचर दे दिया जाए और T2 टेम्परेचर दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। अब एवरेज रेट का जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ उसको भी नोट कीजिए। एवरेज रेट को मैं AR से लिख रही हूँ। ये किसके इक्वल होता है, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस मैंने आगे क्यों लगाया, प्लस लगाया प्रोडक्ट के लिए और माइनस लगाया रिएक्टेंट के लिए। जैसे हम निकालते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल रेट निकालते थे ना, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं होता, और पॉजिटिव किस लिए लगाते थे, क्योंकि प्रोडक्ट होता था, तो वो लगा के ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, CT2 - CT1, यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी, जब टाइम मतलब सेकंड T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो, माइनस T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो, डिवाइडेड बाय T2 - T1। रेट का क्या फॉर्मूला होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एवरेज रेट का क्या फॉर्मूला होता है, भी अगर आपको दो टाइम इंटरवल दे दिए जाए तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, वो हमारा एवरेज रेट होगा। अब यहाँ पर भी चेंज इन कंसंट्रेशन तो वही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जब टेम्परेचर T2 था तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी उसमें से जब टेम्परेचर T1 है उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये होता है हमारा एवरेज रेट का फॉर्मूला। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक ग्राफ की हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही बना के दिखा रही हूँ।
आपको एवरेज रेट के लिए ग्राफ ही दिया जाता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और आपसे इसके अंदर पूछा जाता है। ग्राफ क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो आपको दो टेम्परेचर देंगे और दो ही कंसेंट्रेशन दिखाएंगे। तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जब हमारा टेम्परेचर 10 सेकेंड है और 20 सेकेंड है, यहाँ टेम्परेचर लिया गया है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ आपकी कंसेंट्रेशन किसकी ली गई है? रिएक्टेंट की। ये भी मैं बता दूँ कहीं कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ली गई है वाई एक्सिस पे, और वो कितनी ली गई है? यहाँ ली गई है 10 मोलर और यहाँ ली गई है 50 मोलर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया एवरेज रेट निकालिए। एक चीज़ देखिए, जब टेम्परेचर T1 था, T1 मतलब छोटे वाला होता है, इनिशियल होता है, जब टेम्परेचर T1 था उस टाइम पर जो कंसेंट्रेशन थी कितनी थी? 50 मोलर, ठीक है। जब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 टेम्परेचर कितना है? 10 सेकेंड, और आपको कंसेंट्रेशन इनिशियल कितनी दे रखी है? 50 मोलर, यानी कि C T1 कितनी दे रखी है? 50, ठीक है, जो कंसेंट्रेशन T1 पर है। देखो इसको, देखो ज्वाइन का, और ये यहाँ से यहाँ, और ये ना है ना, इस वजह से। अब देखो जब टेम्परेचर कितना हुआ? 20 हुआ, यानी कि T2 कितना दे दिया उसने हमें? 20 दे दिया, और CT2 क्या हो जाएगा? देखो इस लाइन को लेके चलो, कहाँ तक जाएगी? यहीं तक जाएगी, फिर इसे मोड़ दो, कहाँ ज्वाइन कर रही है ये? वाई एक्सिस पे 10 मोलर पे ज्वाइन कर रही है, तो मतलब 10 हो जाएगी। ऐसे ही इसको एक बार दोबारा चेक करो, ये जो है ये अब आपको कि मैम यहाँ तक भी तो जा रही है, नहीं ये मैक्सिमम देखो ना कहाँ तक टच कर रही है, मैक्सिमम देखो ये ऊपर भी तो जा रही है, ये थोड़ी यहाँ से कुछ नया ओरिजिनेट हो गया, नहीं इसको पूरा ऊपर तक लेके जाओ, इसका ये है और इसका ये है। अब आपके पास आगे वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करो, क्या है? देखो अब ये रिएक्टेंट की बोली है मैंने कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट के केस में आगे क्या लगेगा? नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि नेगेटिव लगाया। अब CT2 कितना है? 10 माइनस CT1 कितना है? 50 अपॉन T2 20 माइनस T1 10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे तो माइनस 40, वो बाहर आएगा तो 40 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10 आ जाएगा, तो 40 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा, एवरेज रेट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 मोलर पर सेकेंड्स, सेकेंड्स में दे रखा है ना हमें टेम्परेचर, इसलिए। और हमें देखो ये क्या कंसेंट्रेशन मोलर में दे रखी है, इसलिए हम बोलेंगे मोलर पर सेकेंड। क्लियर है एवरेज रेट का? फटाफट से क्वेश्चन बना लीजिए, फटाफट से ये क्वेश्चन बना लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है यहाँ पे वो आपको मिनट में टाइम दे, तो आपने फिर क्या लिखना है? यूनिट मोलर पर मिनट। अगर सेकंड में टाइम दे, मोलर पर सेकंड। अब जो सेकंड आती है हमारी, वो आती है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और मैं इसे तब तक इरेज करती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है सेकेंड टाइप, इंस्टेंटेनियस रेट। एक मुझे बात बताओ, हम डेली लाइफ में ये वर्ड इंस्टेंट बहुत यूज़ करते हैं। इंस्टेंट वर्ड किस लिए होता है? मतलब फटाफट, जो एक क्विक मतलब इंस्टेंट टाइम में हो जाए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेट विच अकर एट एन इंस्टेंट, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसे कैलकुलेट करते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, तो जो हमारी स्लोप आएगी वो हमारी रेट होगी। देखो कैसे वी कैलकुलेट इट, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट घबराना मत, मैथ्स का वर्ड है टेंजेंट, मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है। बाई ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है ना, तो इसलिए एट द गिवन ग्राफ। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल रेट का? क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट को मैं IR लिखती हूँ, फॉर्मूला वही हो जाएगा DC/dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वो पर यूनिट टाइम, प्लस माइनस फिर लगा दिया भी, अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव ले लोगे और अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ले लोगे। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, देखना आपको पता चलेगा। ये मेरा ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ मेरा ऐसे ही ये स्लोप मतलब मेरी कर्व जा रही है, स्लोप नहीं मेरी कर्व जा रही है। मैं आपको बोलती हूँ यहाँ वैल्यू 1, 2, 3, 4, यहाँ पे है मेरी 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछूँ इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाती है, या फिर ना जैसे ये बोर्ड है
तो मैं इक्वल डिस्टेंस पे नहीं ले पा रही, तो उस टाइम पर आपने अगर ना टेंजेंट ड्रॉ करनी है इक्वल डिस्टेंस पे वाई और एक्स को जो मिलती हो, अब देखो यहाँ से ड्रॉ करनी है टेंजेंट ना, जैसे ये स्लोप है तो इस स्लोप के बिल्कुल पास पास है ऐसे, मान लो आपको ये दी गई है बना के ये ऐसे, ये ऊपर 5 से टच हो रही है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर ये 50 से टच हो रही है, इतना दिख रहा है एक्स एक्सिस पर ये 50 से टच हो रही है और वाई एक्सिस पर ये कहाँ टच हो रही है 5 से। टेंजेंट होती है एक ऐसी लाइन जो हम क्या करते हैं उस कर्व के लॉन्ग ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको वैसे तो पेपर में मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा होगा। आपने करना है इस स्लोप के अराउंड ऐसी लाइन खींचनी है जो एक्स को भी टच करे मतलब और वाई को भी टच करे। तो अब आपका क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो टेंजेंट होती है बेसिकली ये बताती है हमें स्लोप के बारे में। और स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यानी कि डी वाई क्या होता है, कंसंट्रेशन, इधर ली गई है कंसंट्रेशन, यहाँ लिख भी सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ लिया गया है टाइम इंटरवल। तो देखो डी वाई मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, और डी एक्स मतलब जो हमारा टाइम वाला है एक्स एक्सिस, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही हो गया स्लोप। देखो तो यहाँ पर डी वाई क्या लेंगे, जहाँ पर वो टच कर रही है 5 पर वो टच कर रही है तो हम 5 लेंगे, अपॉन एक्स एक्सिस क्या है कहाँ टच कर रही है 50 पे टच कर रही है। और एक और चीज़ देखो यहाँ पर अभी रिएक्टेंट की बात हो रही है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, इतना फर्क होता है। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है भी हमें यहाँ पर नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने टेंजेंट ऑलरेडी बना रखी है, जस्ट फॉर्मूला में हम इसलिए शो करते हैं भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव मत लगाइएगा जब आप सिंपल लिखोगे, लेकिन फॉर्मूला में शो ज़रूर करोगे क्योंकि ये डिनोट करता है, सिर्फ डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लगा रहे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट का क्या आ गया आंसर आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज 1/10 मोलर पर सेकेंड, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट था। अब जो हमारे स्टूडेंट्स लास्ट आता है, एक चीज़ और आपको पता है क्या, पेपर में 1/10 लिखा नहीं आएगा, आपको लिखा आएगा 10^-1 ऐसे इस फॉर्म में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, आपको पता ही है इसको कैसे ऊपर करते हैं, पावर अगर 1 0 है तो -1 हो जाएगा, 2 0 है मतलब 1/100 लिखा है तो 10^-2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ रेट आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा आता है इनिशियल रेट, ठीक है। अब हम उसको स्टडी करेंगे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। सो स्टूडेंट्स अब आता है लास्ट रेट जिसे मैं बोलती हूँ इनिशियल रेट, नाम तो आपको पता ही है, अभी जितने भी रिएक्शंस कर रही थी मैं बोल रही थी इनिशियली टाइम टी 0 होता है, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल, तो मतलब ऐसा रेट जो इनिशियली हो, जब टाइम आपका 0 के इक्वल हो वो होता है इनिशियल रेट। तो आप भी लिख भी सकते हो रेट प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, दैट रेट इज नोन एज इनिशियल रेट। सिंपल है, ये तो हमें पता ही था, बस इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आपको ये पता है टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर हम ए नॉट बी नॉट कंसंट्रेशन लेते थे, वैसे ही अब रेट को भी हम क्या लिखेंगे आर नॉट, मतलब टी 0 है, मतलब आर 0 है, मतलब 0 टाइम पर ये रेट है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन आप ब्रैकेट के नीचे लिखोगे टी इज इक्वल्स टू 0, भी टाइम अभी इनिशियली है 0 है। तो ये फॉर्मूला था। अब आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है, हो रहा इसी फॉर्मूला से ही है क्योंकि इनिशियल का पूछा जाता है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, ये कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, इनिशियल रेट निकालो। अब आपको वो पेपर में ये नहीं कहेगा भाई टी टाइम 0 है, वो यही करेगा भाई इनिशियल रेट निकालो, इनिशियल रेट खुद समझो, इनिशियल रेट वो रेट होता है जब टाइम टी 0 के इक्वल होता है, मतलब उसे आपने दो पार्ट पूछे हैं, एक तो इनिशियल रेट पूछा और एक रेट तब निकालो जब टाइम क्या है 2 सेकंड्स है। अब कई बच्चे पता क्या सोचेंगे भी सीधा टाइम 2 सेकंड्स का निकालना है, वो ये भूल जाएंगे भी इनिशियल का मतलब होता है जब टी 0 होता है। तो अब देखो हमें पता है रेट का क्या फॉर्मूला होता है, DC/dt होता है, मानते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है आपको कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना हमें दे रखा है उसने इनिशियल में 0 होता है ना। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए डी को बाहर लिखेंगे, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है देखो 5+30t-5t² / δt, मानते हो। एक चीज़ देखो जब बच्चों हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको अकेला नंबर दे रखा है, नंबर के साथ ना तो एक्स लगा है ना वाई लगा है, कोई वेरिएबल नहीं लगा जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक सिंपल नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी वेरिएबल के आगे डिजिट दे रखा है कोई भी, तो सीधा आपने अगर ना उस वेरिएबल, अब देखो यहाँ टी के साथ लिखा हुआ है और ये विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी है, तो ये टी हट जाएगा, ये टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा 30 × 1 यानी कि 30।
देखो अगर अकेला 30% होता तो जीरो लेना, जैसे अकेला 5 है तो जीरो लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर सिंपली किसी अकेला प्रेजेंट है, कोई वेरिएबल नहीं लगा, तो वो जीरो होती है उसकी डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर किसी की डिफरेंशिएशन टी को ही करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, ये टी वन में कन्वर्ट हो जाएगा 30 × 1, यानी कि 30 हो जाएगा। अब ये है, ये भी टी टी है, लेकिन यहाँ टी में स्क्वायर है, तो क्या होता है, जो उसकी पावर होती है ना वो आगे आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ स्क्वायर था तो एक टी हटेगा, एक टी अभी भी बच जाएगा। ये चीज़ भी बता दूँ, मान लो आपको मैं बोल दूँ बी 3t³ की डिफरेंशिएशन करो, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो क्या लिखोगे, देखो 3 को ऐसे कैसे लिख दो जो आगे लगा हुआ है, इस 3 को क्या करोगे आगे ले आओगे, और इस टी पे जो आपको दे रखी है ना वैल्यू, उसमें से 1 माइनस करोगे, मतलब ऊपर 3 दे रखा है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9t², समझ रहे हो कैसे किया मैंने, मतलब जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले आगे लिख दो, फिर जिसका कर रहे हो इसकी, इसको भी आगे लिखो मल्टीप्लाई में, और इसकी जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। अब यहाँ देखो क्या किया है, 5 × 2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, माइनस साइन लगा हुआ था, तो 5 × 2, और टी के ऊपर जो पावर है 2 है, उसमें से 1 माइनस कर दो। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, मैथमेटिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे, बायो वालों को हल्का सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वो मैं बता दिया ये एग्जांपल लेके, जो आगे लगा हुआ है, मान लो यहाँ सीधा टी क्यूब लिखा है, अगर अकेले टी क्यूब लिखा है तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3t² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर में से 1 माइनस हो जाती है और आगे डिजिट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या 2 आगे आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और टी का 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, डिफरेंशिएट करके 0 प्लस 30 माइनस 10t की पावर 1 है ना, 10t हो जाएगा। अब हमें इनिशियली बोला, इनिशियली टाइम क्या होता है, 0, तो टी की जगह 0 पुट कर दो, 30 माइनस 0 यानी कि 30, इनिशियल रेट कितना आ गया, 30 आ गया, क्लियर है, सिंपल था। अब वो पूछता है जब टी हमारा 2 सेकंड्स है, तो देखो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा प्रोसेस, यहाँ तक सेम ही रहेगा सारा, बस यहाँ पर हमने टाइम टी 0 पुट किया, यहाँ टाइम टी 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 30 − 20 यानी कि 10, तो मतलब जब टी 2 सेकंड्स है तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, 10 रेट आ जाएगा, क्लियर है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, हल्की सी डिफरेंशिएशन है, प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन को अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है फिनिश होता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हो सकता है आप कर लो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैंने कंसेप्ट वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं रीड करते। मैं एक सलाह दूंगी, पहले जो क्वेश्चन मैं लिखने वाली हूँ ध्यान से रीड करना, भी आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो बच्चे को दिया होता है ना, बच्चों से गलत रीड करके सॉल्व ऐसे ही करना है, नो डाउट, पर उसमें गलती हो जाती है। सो यस स्टूडेंट, अब है लास्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा क्योंकि मुझे लास्ट क्वेश्चन का नंबर नहीं आता। तो रिएक्शन है N2+3H2 गिव्स 2NH3, आपको क्या बोला गया, इफ रेट ऑफ अमोनिया, आपको अमोनिया का रेट दिया है 1.7 kg/h फॉर गिवन रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन या H2 इसका रेट निकालना है इन ग्राम पर मिनट। तो आपने अगर इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्या करना है, नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, पहले यही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहीं पर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।